इनफर्टिलिटी मतलब बच्चे नहीं होना, इसके बारे में काफी लोग हमें पूछते रहते हैं कि क्या सम्मोहन उपचार इसके लिए मदद करेगा। तो इनफर्टिलिटी में जहाँ कुछ भी फिजिकल फाइंडिंग नहीं मिलता है, मतलब जहाँ सब जांच पड़ताल करने के बावजूद भी ना पुरुष में या ना स्त्री में कुछ खराबी मिलती नहीं है मगर बच्चा नहीं हो रहा है, तो फिर डेफिनेटली हिप्नोथेरेपी काम में आएंगे। वो कैसे काम में आएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको सबकॉन्शियस माइंड से एक अपोजिशन होगा, हो सकता है कि नॉन एक्सेप्टेंस होगा, हो सकता है कि नफरत गुस्सा ऐसा कुछ होगा, हो सकता है कि डीप सबकॉन्शियस में भाई बच्चे होना ही नहीं अपने को ऐसा कुछ होगा, कुछ तो भी ऐसा होगा कि जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है और जो रेजिस्ट कर रहा है आपको बच्चा होने से। तो ऐसे इसमें फिर आपका रेजिस्टेंस देख सकते हो, क्योंकि तो क्या रेजिस्ट कर रहा है मुझे, क्यों ऐसा हो रहा है। हो सकता है कि आदमी में भी कुछ मतलब खराबी नहीं है, औरत में भी खराबी नहीं है, मगर बच्चा तो नहीं हो रहा है, एबॉर्शन हो जाता है, बच्चा ठहरता नहीं है। ऐसा भी होता है कि बार बार एबॉर्शन होते जा रहे हैं और डॉक्टर कुछ भी कारण बताते नहीं हैं। जैसे मेरे पास में बहुत केसेस आते हैं कि जो बोलते हैं कि डॉक्टर बोलते हैं कि हमको कुछ मालूम नहीं है, हमको कुछ बता सकते नहीं क्योंकि सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है सभी। तो फिर ऐसे इसमें कौन सा सम्मोहन उपचार किस तरह का करना चाहिए, सजेशंस क्या देना चाहिए, वो अभी हम करते हैं। तो ये वीडियो आप वो सभी लोगों को शेयर कर सकते हैं जिनको इस तरह का प्रॉब्लम है। तो हम चालू करते हैं। तो जैसे हरदम जैसा मैं बोलूँगा कि बार 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 मैं रिलैक्स ऐसा बोलूँगा, तो रिलैक्स इसका मतलब होता है शिथिल करना, ढीला करना, पूरा बदन ढीला करने का है, रिलैक्स करने का है। मैं बोलूँगा स्लीप, स्लीप का मतलब है सोना। जब मैं स्लीप ऐसा बोलूँगा तब तो आप सो रहे हैं, अपने बेड के ऊपर लेटे और आप सो रहे हैं ऐसी कल्पना करना है। और फिर मैं डीप ऐसा बोलूँगा बार बार, तो डीप बोले तो गहरा अंधेरा, तो आप डीप गुफा में अंदर जा रहे, गहरी गुफा में अंदर जा रहे, आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है ऐसी कल्पना करना है। फिर मैं 1 से 10 तक गिनती करूंगा और बाद में आपको बोलूंगा कि अभी आप विजुअलाइज करो। और विजुअलाइज आपने क्या करना है कि आपका मतलब आप कंसीव हो चुके हो, कंसीव हुआ है, बच्चा ठहरा हुआ है गर्भ में, और जैसा आपको पहली बार मालूम पड़ा, पहला पीरियड मिस हुआ, फिर बाद में अभी आपने टेस्ट करवाया, डॉक्टर ने बोला कि गुड न्यूज़, अभी तो आपका बच्चा ठहरा हुआ है, और आप देख रहे हैं फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ, पूरे 9 महीने मतलब 36 वीक्स हो चुके हैं और नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी है और आपको बच्चा हुआ है। तो इस तरह का आप इमेजिन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा नहीं कि लड़का या लड़की, बच्चा मतलब बच्ची भी है, ऐसा नहीं कि लड़का लड़के के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये लड़की के लिए भी है या लड़के, मतलब कोई भी इशू है ना चाइल्ड होने के लिए, वो गर्ल चाइल्ड हो सकता है, मेल चाइल्ड हो सकता है। हिप्नोथेरेपी ऐसा कुछ नहीं बोलती है कि आप ये करो तो मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड, मतलब कृपया ऐसा उल्टा समझ या गलत फहमी नहीं करने का है। तो ये वैसा नहीं है, ये पूरा ध्यान में आपको रखने का है। तो आपने आंखें बंद करके बैठना है, ऐसा बैठो कि आप दीवार को सिर टिका के बैठ रहे, ताकि सिर को पीछे से सपोर्ट मिलेगा। आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं, लेटो मत, हो सकता है कि आपको नींद आ जाएगी। और यह वीडियो दोनों भी हस्बैंड वाइफ दोनों भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं और अपना अपना सेशन कर सकते हैं दोनों भी, ठीक है ना, दोनों भी कर सकते। हस्बैंड कर रहा है मतलब पुरुष कर रहा है, तो वो इमेजिन नहीं करेगा कि उसको 9 महीने हो रहे हैं, ऑफकोर्स मतलब वो इमेजिन कर सकता है कि अब उसके वाइफ को 9 महीने हो रहे हैं और बच्चा ठहर रहा है, इस तरह का है, ठीक है ना। तो आपको आंखों के सामने ऐसा बहुत ब्राइट लाइट नहीं रखने का है, एकदम ऐसा डिम लाइट रखो, रिलैक्स करो पूरा बदन, रिलैक्स, हाथ जो है ऐसे एक दूसरे में फंसाओ उंगलियां, और जांघ के ऊपर ऐसा पैर के ऊपर रखो और दोनों पैरों के पंजे ऐसे करो और बैठिए। मोबाइल ऑफ करो ताकि आपको दूसरा कॉल नहीं आना चाहिए, मेरी आवाज़ सुनना है, दूसरी कोई भी आवाज़ सुनने की नहीं है और दूसरी कोई भी आवाज़ की तरफ ध्यान देने का नहीं है। पूरा बदन रिलैक्स 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 करो, पूरा ख्याल मेरी आवाज़ की तरफ दो, दूसरी कोई भी आवाज़ सुनने की नहीं, दूसरी कोई भी आवाज़ की तरफ ध्यान देने का नहीं, पूरा बदन रिलैक्स 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 करो। पैरों के अंगूठे रिलैक्स करो, अंगूठे रिलैक्स हो गए, पैरों के तलवे रिलैक्स करो, तलवे रिलैक्स हो रहे, पैरों के पंजे रिलैक्स करो,
पंजे रिलैक्स हो गए, घुटने रिलैक्स करो, घुटने रिलैक्स हो गए, दोनों पैर रिलैक्स करो, दोनों पैर रिलैक्स हो गए, पेट रिलैक्स करो, पेट रिलैक्स हो गया, कमर रिलैक्स करो, कमर रिलैक्स हो गई, पीठ रिलैक्स करो, पीठ रिलैक्स हो गई, सीना रिलैक्स करो, सीना रिलैक्स हो गया, कंधे रिलैक्स करो, कंधे रिलैक्स हो गए, दोनों हाथ रिलैक्स करो, दोनों हाथ रिलैक्स 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 हो गए, गर्दन रिलैक्स करो, गर्दन रिलैक्स हो गई, जबड़ा रिलैक्स करो, जबड़ा रिलैक्स हो गया, गाल रिलैक्स करो, गाल रिलैक्स हो गए, आंखें रिलैक्स करो, आंखें रिलैक्स हो गई, माथा रिलैक्स करो, माथा रिलैक्स हो गया, पूरा चेहरा रिलैक्स करो, पूरा चेहरा रिलैक्स हो गया, माथा रिलैक्स, पूरा चेहरा रिलैक्स, पूरा बदन रिलैक्स, एंड नाउ स्लीप 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 डीप। आप गहरी गहरी सम्मोहन अवस्था में जा रहे हो, डीप 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 जा रहे हो, आंखों के सामने अंधेरा 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 छा रहा है और आप डीप डीप सम्मोहन अवस्था में जा रहे हो। मैं अभी एक से दस तक गिनती करूंगा, जैसी जैसी गिनती बढ़ते जाएंगी वैसी वैसी आपकी सम्मोहन अवस्था और गहरी गहरी होते जाएंगी और आप डीप डीप सम्मोहन अवस्था में चले जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, एंड नाउ स्लीप 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 डीप। आपको अभी कल्पना करनी है कि आप एकदम तंदुरुस्त है, फिट है, दिन ब दिन आप अच्छे होते जा रहे हो, फिट होते जा रहे हो, एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक है। आपको ऐसा लगता है कि आपको बच्चा होना चाहिए, बेटा बेटी जो भी कोई है वो होना चाहिए। और मैं जब बोलता हूँ बच्चा, इसका मतलब बच्चा और बच्ची दोनों भी है। तो आपको ऐसा लगता है कि होना चाहिए बच्चा और आप एकदम रिलैक्स है, आपके पीरियड्स रेगुलर है, आपका खान पान ठीक है और आपको ये खबर अभी मिली है कि आपने कंसीव किया हुआ है, आपने कंसीव किया है, आपने टेस्ट किया
जब आपका पीरियड मिस हुआ तो, और आपको ये पता चला कि आपने कंसीव किया है, आपको बच्चा ठहर गया है, प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आया हुआ है, आपको बहुत खुशी हुई, आप एकदम रिलैक्स है, बहुत ही रिलैक्स, बहुत ज़्यादा रिलैक्स, बहुत खुश, बहुत आनंद आपको आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, आपका पहला महीना अच्छे से गया, खान पान अच्छा है, रेस्ट है, जो भी आपके दिमाग में नफरत गुस्सा ऐसा कुछ होगा तो उसने वो ड्रॉप कर दिया आपने, वो नफरत होंगी, गुस्सा होगा, रेजिस्टेंस होगा, नकारात्मक विचार होंगे, सभी आपने वो ड्रॉप किए हुए हैं। आप बहुत ही पॉजिटिव है प्रेगनेंसी के बारे में, बहुत ही पॉजिटिव, आप कल्पना कर रही है कि अभी आपका सेकंड मंथ चालू हो रहा है, तबीयत अच्छी है, बहुत बढ़िया, डॉक्टर्स ने जो भी प्रिकॉशन बोला है वह प्रिकॉशन ले रही है, और इस बार अभी आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर ऐसे एक के पीछे एक तीसरा महीना आप कल्पना कर रहे हैं, चौथा महीना, पांचवा, छठवा, ऐसे एक के पीछे एक महीने जा रहे हैं, जो भी प्रिकॉशन, जो भी खान पान, जो भी डॉक्टर्स बोलते हैं वैसा आप कर रहे हैं, परहेज रख रहे हैं, आराम कर रहे हैं, नींद अच्छी हो रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है। सातवां, आठवां, नौवां, पूरे 36 वीक्स पूरे हो चुके हैं, ये पूरा जो पीरियड है आप अभी इमेजिन कर सकते हैं। फिर से एक बार मैं चुप रहता हूं, आप उसको इमेजिन करो कि फर्स्ट मंथ से पहले हफ्ते से 36 हफ्ते पूरे आपके जा रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है, प्रेगनेंसी अभी ठहर चुकी है, ठहरी हुई है, ग्रोथ अच्छी है बच्चे की, आपने सब टेस्ट किया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, प्रेगनेंसी का पीरियड बहुत अच्छा बिताया हुआ है, प्रेगनेंसी खत्म हो गई, आपकी डिलीवरी हो गई, डिलीवरी नॉर्मल हुई है, आपको बहुत खुशी हो गई, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया है, फैंटास्टिक, वंडरफुल, आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी है, मन बहुत खुश है, अच्छा लग रहा है, और जो भी आपको इश्यू चाहिए उसकी आप कल्पना कर सकते हो अभी कि वो आपको इश्यू हुआ है, वो चाइल्ड आपको हुआ है, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी 3 से 1 तक उल्टी गिनती करूंगा, जैसी जैसी गिनती कम कम होते जाएंगी वैसे वैसे आपकी सम्मोहन अवस्था धीरे धीरे खुल जाएगी और आपको जाग आ जाएगी, जाग आने के बाद में आपको बहुत ही फ्रेश लगेगा, अच्छा लगेगा। 3, 2, 1 उठो, जागो, जाग जाओ। इस तरह से आपको ये सेशन करना है। ये यदि पुरुष करते हैं तो डेफिनेटली उन्होंने अप्रोप्रिएट सूचना वैसी देनी है, अप्रोप्रिएट सूचना जो रहेंगी, और आप भी कल्पना कर सकते हैं कि आपके पत्नी के 1 महीने से लेकर 9 महीने तक पूरे ऐसे वीक्स जा रहे हैं, 36 वीक्स, और सेहत आपकी भी अच्छी है, उसकी भी अच्छी है, और आप एक स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं जो स्पेस में हेल्दी प्रेगनेंसी ग्रो हो रही है, ऐसा आप इमेजिन करोगे तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अच्छे रिजल्ट्स आने के लिए आपको बहुत बहुत शुभेच्छा। इफ आपको अच्छा लगा तो सभी वो लोगों को शेयर करो जिनके रिपोर्ट्स नॉर्मल है, ऐसे बहुत लोग हैं जिनके रिपोर्ट्स नॉर्मल है मगर एबॉर्शंस होते हैं, बच्चा ठहरता नहीं है, या कुछ फर्टिलिटी होती भी नहीं है और डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते हैं, वेट एंड वॉच बोलते हैं, कोशिश करो बोलते हैं, डेफिनेटली वीडियो काम में आएगा। थैंक यू वेरी मच।